मिनट बात सुनो, जरा कोई बंदा नहीं हिलेगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरात, आपने सहाबा के मुसलमानों पे हुकूक सुने, सहाबा के उन हुकूक का ही ये हक है कि आप प्रोग्राम के इख्तिताम तक कोई बंदा नहीं जाएगा। अगर सहाबा से मोहब्बत है, वाकई है, इसीलिए आए हैं, तो इंशाल्लाह हम शार्ट करेंगे प्रोग्राम को, तकलीफ के बावजूद, मजबूरी के बावजूद भी कोई मुहिब्बे सहाबा नहीं उठेगा, नहीं जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह, मर्दों की तरफ बोलो, ठीक है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहेंगे। मैं उसमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। इन्नल हम्दलिल्लाह, اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد। हजरात, फिर देखो कोई उठ रहा, बड़ी बुरी बात है, कोई नहीं हिलेगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरात, आज पूरी दुनिया अमन चाहती है, वतन अजीज भी अमन का ख्वाह है। थोड़ी सी तवज्जो देना मेरी बात पे। जब जंगे अजीम पहली हुई, उस मौके पे दुनिया ने सर जोड़ा, बल्कि उससे पहले जब 13वीं सदी आई, कहा आलमी तौर पर लोगों का अमन चाहिए, तो एक तंजीम बनाई गई, द लीग ऑफ नेशंस, जमीयत अकवाम। मगर वो ज्यादा देर न चल सकी, उसके होने के बावजूद पहली जंगे अजीम हुई। जंगे अजीम के बाद फिर पूरी दुनिया ने सर जोड़ा और एक नया इदारा यूएनओ के नाम पे अकवामे मुत्तहिदा तैयार किया। उन्होंने इंसानों के बुनियादी हकूक का चार्टर दिया, मगर वही हुआ जो पहले था। ताकतवर मुल्क कमजोर मुल्कों के हकूक गसब कर जाते हैं, अपनी मनफअत के लिए उनका नुकसान करते हैं। हजरात जी वकार, मैं ये बताना चाहता हूँ, खिलाफते राशिदा कॉन्फ्रेंस क्यों करवाते हैं, तवज्जो करना। मैं सारी गुफ्तगू को शहाब नामे के तबसरे पे पूरी करना चाहूंगा। आप में से फाजौक लोग जो शहाब मोहम्मद शहाब के शहाब नामा को पढ़ते हैं, उसने दोनों तंजीमों पे तबसरा किया, कहा जमीयत अकवाम द लीग ऑफ नेशंस ये कफन चोरों की अंजुमन साबित हुई और लोगों की कब्रों को तकसीम करने के बाद जनेवा में जाकर दम तोड़ गई। फिर दूसरी जंग अजीम के बाद बनने वाली अकवाम मुत्तहिदा, उसमें भी कानून यही रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो मालूम है, आप जानते हैं, ताकतवर मुल्कों ने जहां से चाहा भैंस ली, हनकाई और ले गए। फिर अकवाम मुत्तहिदा दौड़ी, जंग बंदी की लकीर खींची, अपनी फौज और अपने मुबस्सर भेजे। यही जुल्म हमारे साथ कश्मीर के मामले में हुआ। फिर उन करारदादों को सलामती कौंसिल और सिक्योरिटी कौंसिल में ढल ढल कर यहाँ आकर सर्द खाने में पड़ी रहती हैं, जिस तरह पौनी सदी बीत जाने के बावजूद कश्मीर की वो करारदादें सर्द खाने में पड़ी हैं। हजरात, आज दुनिया फिर उठी है, फिर शौक उभरा है, आलम इकबाम किस तरह दुरुस्त हो सकता अमन। हजरात, दुनिया के जितने निजाम हैं, उनमें कोई फर्द सदर डिक्टेटर या पार्लियामेंट मुक्तदर आला होता है। मैं खिलाफ के राशिदा कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से ये मैसेज और पैगाम आपके जरिए पूरे दुनिया को देना चाहता हूँ। हजरात, आज फिर अगर चाहते हो तो आओ, निजाम में खिलाफत राशिदा लेके आओ, उसमें मुक्तदर आला अल्लाह होता है, कानून भी अल्लाह का होता है, कोई नबी भी अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकता। खलीफा इम्प्लीमेंटेशन करवाता है, अमल दरामद करवाता है, मुआशरा कैसा तत्हीर वाला बनता है। कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, पूरी मिल्लत इस्लामिया को कहा जाता है
हुक्म में हर बंदा राई है, हाकम है, जिम्मेदार है। हजरात एक ही निजाम है जिसे निजाम इस्लाम कहा जाता है, खिलाफत राशिदा का निजाम है जिसमें अमीर और मामूर, हाकम और महकूम, रियाया और हुक्मरान दोनों जवाब दे होते हैं। हाकम भी कोई बात करे और हाकम भी उम्र फारूक जैसा हो और 24 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाला। उमर आज मिंबर पे खड़ा होके रोबो दबदबे के बावजूद फरमाए, ऐ मेरे साथियों, अगर मैं कोई ऑर्डिनेंस ऐसा कर दूं जिसकी तुम्हें दलील कुरान से मुयस्सर ना आए, जिसका हवाला हदीस से न मिले, तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? मुबारक अहले सुन्नत अहले हदीस हो तुम्हें। एक बूढ़ा पीछे से खड़ा हुआ, कबाइल से आया हुआ, सकाफत थी वहां, रिवाज था, गले में तलवार हमायल थी। जिस तरह आज भी अफगानिस्तान में कोई बंदा बकरियां चरा रहा होता है, गले में कलाशनकोफ डाली होती है, ये कल्चर है वहां का। बूढ़े के गले में तलवार है, मजमे के पीछे बैठा है, वहीं से तलवार को म्यान से निकाल के खड़ा हो जाता है। कहा, ऐ मुसलमानों के अमीर, ऐ खत्ताब के बेटे, अमीरुल मोमिनीन, लौ अरैना फीका एवजाजन लकव्वमनाहु बिसुयूफिना। ऐ उमर, अगर तुझे भी कुरान से हटा हुआ, सुन्नत से कटा हुआ पाएंगे, अपनी तलवारों से तुझे सीधा कर देंगे। आलम इस्लाम का रोबो दबदबे वाला हुक्मरान कैप्चर नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया, पाबंद सलासल नहीं किया, हथकड़ी नहीं लगाई, आंखों से आंसू रवा है। फरमाते हैं, नहमदुल्लाह व नश्कुर, हजरात खिलाफत राशिदा, हाय काश कुछ समझे तो सही, अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। दिन चढ़ा, कपड़े की कठड़ी मोट कंधे पे रखी, बाजार जा रहे हैं, सैयदना उमर फारूक मिले, कहा खलीफतुल मुस्लिमीन कहाँ का इरादा? कहा बच्चों को खाना भी तो खिलाना है। कहा पलट आइए, इस उम्मत के अमीन हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो खजानची है, बैतुल माल के चेयरमैन है, और उनके पास चलते हैं, तीनों मशवरे के साथ कहते हैं, वक्त के खलीफा सरबरा और हुक्मरान का रोजीना वजीफा, तनख्वाह और अलाउंस एक आम आदमी की गुजरान के मुताबिक सालाना 4000 दिरहम मुकर्रर की जाती है। हजरात, आप 2.25 साल अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, आज दुनिया से जाने लगे, वसीयत फरमाते हैं, मेरे मकान को फरोख्त कर दिया जाए। मैंने 2 साल से जायद अरसा मुसलमानों के बैतुल माल से 8000 दिरहम से ज्यादा रकम हासिल की है, वो रकम जाकर मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करवा दी जाए। हम क्यों कहते हैं खिलाफत राशिदा का निजाम? हजरात, लंबा वक्त नहीं लेना चाहता, वो उम्र फारूक जिनका तस्करा भी मेरे शेख ने फरमाया, क्या मोती बखेर रहे थे माशाल्लाह, अल्लाह मेरे कारी की उम्र में बरकत फरमाए। आपके लिए भी दुआ गो हूँ, बड़े सुकून इत्मीनान और तसल्ली से आपने गुफ्तगू को समाप्त फरमाया। 2 बातें और कहता हूँ और यहाँ कहना चाहूंगा, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरा मकान बेचकर मेरा लिया हुआ वजीफा जो जायज है वापिस कर दिया जाए। और कहा प्रोटोकॉल पे करोड़ों अरबों रुपया, कहा
इस गंदी सियासत के लिए इंडिया इसराइल से भी हथियाया जाए। फइन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ अल्लाह का शुक्र है मेरे शेख की उम्र में अल्लाह बरकत फरमाए। हजरत मुहक्किक उल असर मौलाना इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला वरआहु, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, उनकी टीम को अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। वो सालाना ये मैसेज ये पैगाम आप तक नहीं, बैन अल-अक़वामी तौर पर आपकी आवाज पहुंची जा रही है। क्यों भीख मांगते हैं लोगों? छोड़ो, निजाम हाय जिंदगी मफलूज हो चुके, कोई निजाम कामयाब नहीं। अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं, जिन्ना चेर होवेगी हुकूमत इलाही नहीं। क्यों हम कहते हैं? इसलिए जरा देखो ये 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, आलम इस्लाम का जरी और कवी हुक्मरान रात को गश्त कर रहा है। देखा 3 मील मदीने से बाहर मकाम सरसर है, वहां पे पहुंचे हैं, और एक बद्दू बाहर पहाड़ी पे बैठा पत्थर पे, उसको बातों में लुभाया। इतने में अंदर से रोने की आवाज आई। अमीर उल मोमिनीन फरमाते ये रोना कैसा? कहा मुसाफिर हूँ, खैमा जन हूँ, रस्ते में हूँ, मेरे घर में विलादत और डिलीवरी का केस है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई खातून नहीं। अमीर उल मोमिनीन वक्त का हुक्मरान, सिर्फ एक मुल्क का नहीं आलम इस्लाम का हुक्मरान जल्दी से पलटता है। अपने घर में गए, अपनी सौजाए मोहतरमा हजरत उम्मे कुलसूम को साथ लिया, कहा अल्लाह की बंदी आ नेकी कमा, हमारे जिम्मे ये फर्ज है अवाम की इस्लाह अवाम की फला। ये आज का नारा वैसे छूटता है कौन का रख दबा, रोटी कपड़ा मकान इज्जत चार दीवारी का तहफ्फुज मिल्लत इस्लामिया में खिलाफ के रास्ता का निजाम करता है। और उसी का ये हवाला देना चाहता हूँ। आप लाए, वो अंदर चला गया, इजाजत लेके अंदर चले गई माई साहबा, और ये भाई के साथ बातें करने लगे। उन्होंने अंदर से आवाज दी, अमीर उल मोमिनीन अपने भाई को मुबारक दो, अल्लाह ने बेटा दिया है। बद्दू ने जब सुना अमीर उल मोमिनीन जल्दी से मुअत्तब होके बैठा, लरस गया, तरस गया, ये उम्र है? कहा ना भाई, घबराने की जरूरत नहीं, ये उम्र की जिम्मेदारी है, ये उम्र की जिम्मेदारी है। सुबह चले आना, तेरे बेटे का वजीफा लगा दूंगा। यही उम्र जिन्होंने बच्चों की इस्लाह, बच्चों का दूध बैतुल माल से इंतजाम किया था, आज गश्त करके चेक करने गए। ये मेरी आखिरी बात है। और जाके देखा अजीब मंजर, एक घर में बच्चे 2-3 रो रहे हैं, बुढ़िया अम्मा है चूल्हे पे हंडिया रखी और डोई या चमचा हिला रही है, बच्चे मुतमिन है। काबी मई बुढ़िया अम्मा जी बीबी माजरा क्या है? कहा बच्चे कई दिनों से फाके में है, रो रो के बिलक बिलक के बुरा हाल कर चुके हैं, हंडिया रखी है, दलासा दे रही हूँ, रो रो के सो जाएंगे। उम्र फारूक पे रिक्कत तारी होती है। इनके गुलाम हजरत असलम वो इनके साथ हैं, बैतुल माल में गए, आटा घी खजूरें ये और गोश्त वहां से लिया वापिस और रखने लगे, तो फरमाया असलम मेरी कमर पे ये बोरी रख दो। कहा अमीर उल मोमिनीन नौकर किस लिए है? फरमाया कयामत को भी मेरा बोझ उठा लोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। अमीर उल मोमिनीन आधी दुनिया से ज्यादा मुल्कों का सरबरा अपनी कमर पे बुढ़िया के लिए राशन लेके वहां पहुंचा, और पढ़िए कंजुल अम्माल वाले ने लिखा है, खुद भूखे मार मार के आग जला रहे थे, धुएं से आंखों से पानी निकल रहा था और दाढ़ी भीग रही थी। जब रोटी खाई, बच्चे उछले कूदे खुश हुए, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। बड़ी और बातें हैं, छोड़ देता हूँ। कहना ये चाहता हूँ, खिलाफत राशिदा का पैगाम हम इसलिए देते हैं, लोगों आज भी दुनिया के अमन के लिए,
दुनिया को अमन देने के लिए और हुक्मरान और रियाया को आपस में मोहब्बत देने के लिए, इनमें फासले बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इनको करीब करने के लिए कोई निजाम आइडियल है। तो लोगों, ये 1823 को पूरी दुनिया के कानून दानों की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहा एक बंदे का नाम लो जिसका दौरे हुकूमत आइडियल हो। पूरी दुनिया कुफर के लोग मौजूद थे, सब ने कहा उसका नाम उमर है रजी अल्लाह ताला अन्हो अर्जा हो। इसलिए ये सालाना आपको और आपके आप तो माशाल्लाह साहिब खैर, साहिब जोहद, साहिब तकवा, हुब रसूल और हुब सहाबा से सरशार है। आपके जरिए ये मैसेज वतन अजीज में और पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। आखिर पे आपके लिए सबसे पहले दुआ गो हूँ, परवरदिगार तेरे बंदे, तेरे नबी और तेरे सहाबा की मोहब्बत में आए, इनकी झोलियां अपनी रहमत से भर दे। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। और फिर जितने मुंतजमीन हैं, जो जो लोग हैं, मैं सब के लिए भी दुआ गो हूँ। यहाँ करारदाद पेश हो चुकी, आपके इलम में ये बात आई, बहुत बड़ा कौमी अलमिया हुआ जो बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर पे दो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर जो फैसलाबाद से था और दूसरे अफसरान, तकदीर की बात है, दो जनरल एक फ्लाइट में नहीं जाते, अलग अलग उनके वो हेलीकॉप्टर थे, मगर ये मेजर जनरल जो बाद में आए, उनका बेटा ही उनका एडजुटेंट था, वो बैठ चुका था। उसने कहा फ्लड में जरूरत पड़ गई है मेरे हेलीकॉप्टर की, तो सर इकट्ठे क्यों ना चले, मंजिल एक है। कहा लेट अस गो, आ जाए आप। तकदीर उनको खींच रही थी, बेटे को उतारा, उस सीट पे जनरल को बिठाया। मालूम नहीं था कि ये सफर इनका जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जनरल कौमों की हड्डियां चूर होने के बाद जाके बनता है, बहुत कौमी अलमिया है। इंशाल्लाह कल हम जामे मस्जिद अक्सर अजीज में उनकी गायबाना जनाजा भी अदा करेंगे 1:30 बजे इंशाल्लाह। हजरात, दूसरी बात जो मैं कहना, तो और मैंने दो तस्करे करने हैं। एक यहाँ मैं सलाम भी करता हूँ आपको कि जड़ा वाला किसान यहाँ पे जिसमें दो नौजवान शहीद हुए, उस पे मेरी जमात ने, आपने, अहबाब ने, गैरतमंदों ने, अल्लाह के बंदों ने जिस जबीयत और कुव्वत का मुजाहरा किया, वो अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। रुख उसका टेढ़ा था, सीधा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंक्वायरी दुरुस्त तौर पे चल रही है और मैं इस मौके पे दुआ गो हूँ SSP इन्वेस्टिगेशन के लिए, डॉक्टर अजमल के लिए, उन्होंने इसमें जाती दिलचस्पी ली है, अल्लाह उनका इकबाल बुलंद फरमाए। और इन्हें पूरी तरह फिर कहना चाहूंगा, नजर रख कर जालिमों को, काफरों को, किसी पे जाती हम नहीं चाहते। जो जालिम है, जाबर है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं। दूसरा हादसा, आज तक खबर तो पहुंची, मैं वहां भी गया DG खा में, सत्याणा बंगला में, ये बच्चा पहली क्लास का स्टूडेंट है, 13 से 14 साल उम्र है, हाफिज वकास इसका नाम है। ये मस्जिद इसके बाप ने बनाई, 6 बहनों का इकलौता भाई है, 6 बहनों का इकलौता भाई। मस्जिद मुश्तरका जगह पे मशवरे से बनाई सड़क पे, बाद में अपनी जगह दी, वहां मस्जिद और मदरसा बनाया गया। लालच बंदे को आ जाता है, इन्हीं के शरीकों ने कहा अब चूंकि मस्जिद वो बन गई, इसको गिराओ, खाली करो। कहा भाई ये मुसल्ला निशा है, ऐसी किया, दरवाजा निकाला, इसको औरतों की मस्जिद बनाया। बाप उसका सऊदीया में था, आया हुआ था छुट्टी पे, मस्जिद की दीवार गिरी हुई थी, बनाई और चला गया। रात को जालिम रात के अंधेरे में दीवारें फैलान कर अंदर आए और उस बेचारी मजलूम और मजबूर माँ की आंखों के सामने उसके हाथ पीछे बांध कर उसके बेटे को छुरियों के 13 बार करके शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मकाम शुक्र है, वहां हमारे नाज़िम आला मरकजिया का शहर है,
मुजरिम तो फौरी तौर पर गिरफ्तार हुए, उसके भी हम इंशाल्लाह पंजाब की सतह पे भी, मरकज की सतह पे भी पीछा कर रहे। असल काम बाद में होता है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। तीसरा हादसा इन्हीं दिनों में हुआ है, न जाने क्या क्या कम हमारे मुकद्दर में देखने को है। तीसरा हादसा लाहौर शहर में हुआ, जो एक एडवोकेट एक मस्जिद का मुतवली है, ये ब्लाइंड केस है, अभी तक उसकी सही सूरत हाल समझ में नहीं आई। हम सब के लिए दुआ गो है, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, जाने वालों के अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। और साथ ये जो हमारे बड़े बड़े अफसरान गए, अल्लाह इनकी शहादत को भी कबूल फरमाए। वतन अजीज का नाकाबिल तलाफी नुकसान अल्लाह गायब के खजानों से पूरा फरमाए। हम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम खानदानों के साथ इजहार ताजियत करते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी बशरी खताएं माफ करके आला इल्लीयीन में मकाम अता फरमाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान ठीक माशाल्लाह, सच्ची बात है, मेरे पास अल्फाज नहीं, अलबत्ता रब का शुक्र अदा करता हूं। मौला दिल तेरी दो उंगलियों में है, मैंने टूटी सी बात की तो तेरे बंदों ने कबूल फरमाई। अल्लाह इन्हें दर्जे अता फरमा, इनकी झोलियां रहमतों से भर दे। मैं अब इस तातुल को यानी दरमियान में नहीं चाहता कोई और आए, और अभी मैं आपके महबूब मरहूब खतीब खतीब पाकिस्तान मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी अफकामों की हाफिज़ाहुल्लाह ताला वराह, उनको खुद ही मैं दावत देता हूँ, ताकि दरमियान में स्टेट सेक्रेटरी आए, कुछ और मिनट ना लग जाए। कारी साहब तशरीफ लाएं ताकि आपका खिताब शुरू कराया जाए। जज़ाकअल्लाह।